How are you all? Welcome back to the channel. And once again, I'm so happy to see all of you. And thank you so much for watching all my previous videos as well. So in this video, I will share my Rujuta Divekar's diet plan. Now, Rujuta Divekar, जो है वो एक well known nutritionist है इंडिया में और celebrity nutritionist भी कह सकते हो. Emphasize करती हैं traditional food wisdom प्लस मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस पे. और उनका जो मोटो है वो है ईट लोकल एंड थिंक ग्लोबल. लोकल फूड को बहुत ही इनकरेज करती है, दैट्स सो गुड. तो इंडिया में हमारे सब तरह के मिलेट मिलते हैं, हर तरीके का फूड मिलता है, स्पेशली फ्रेश फूड बहुत मिलता है, स्पेशली जो आप फार्मर से लेते हो. वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं शेयर करती हूँ वीडियो में, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके वहाँ पे अवेलेबल हो. ऑल्सो सीजन वाइज, जैसे कि यहाँ का क्लाइमेट कैनेडा का अलग है, इंडिया का अलग है, तो एक थोड़ा एक आइडिया आप ले सकते हो दूसरे की वीडियो से कि हाँ कैसे खाना चाहिए. अगर सेम क्लाइमेट है या सेम सीजन है तो ऑफकोर्स आप फॉलो कर सकते हो. ऑल्सो अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है कि कई बार चीज़ें नहीं मिलती है. बट आई ट्राई कि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फूड जो है वो खा सकूँ, हैं जो देसी खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूँ. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी. और तो ये जो है डाइट चार्ट, ये उन्होंने 8 डिफरेंट मील्स में डिवाइड किया हुआ है. तो छोटे, जैसे कि अगर आप एक बटर मिल्क पी रहे हो, वो भी एक मील का आप पार्ट कंसिडर करोगे. सो ऐसे करके छोटे छोटे 8 टाइम्स आपने खाना खाना है. नॉट द गुड थिंग इज इसमें कोई वेस्टेज नहीं है. अगर आप बिजी हो तो आप एक बार कुकिंग कर सकते हो, उसको बार बार खा सकते हो. जैसे कि लंच में सेम खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो सेम, या फिर जैसे अगर आपने 2 रोटी दोपहर को खानी है तो उसकी जगह आप एक उस टाइम लंच पे खाए और एक शाम को 4 बजे के करीब स्नैक टाइम पे खा सकते हो. तो बिजी स्केड्यूल में से भी आप टाइम निकाल के ये कर सकते हो और बहुत ही प्रैक्टिकल ये डाइट है. तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पास्ट में मैंने उनका डाइट चार्ट जो है वो फॉलो करा था और बिलीव मी वो एक बेस्ट डाइट प्लान है, क्योंकि उसमें आप बहुत ही फुल रहते हो और जो भी इनके गोल होते हैं, किसी के वेट लूज करना या टोनिंग करना, वो आप इजिली अचीव कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट और योगा. और मेरे हस्बैंड ने लिटरली ये काफी साल तक ये फॉलो करा डाइट प्लान और उनका वेट जो उन्होंने काफी लूज भी करा है और मेंटेन भी करा है. वेट लॉस एक ऐसा प्रोसेस है, आप कर लेते हो बट उसके बाद आपको मेंटेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. गोल ऑफ दिस वीडियो इज टू इनकरेज माई ऑडियंस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, बैलेंस्ड डाइट. आई बिलीव कि अगर आप अच्छा एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे भी वैसे ही आपके वो फुटस्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मील जो होना चाहिए वो उठने के 15 मिनट के बीच में आपको लेना है. तो उसमें सिंपल वॉर्म पानी लें और साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट या ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं. मैं वॉर्म वाटर के साथ ले रही हूँ जस्ट एप्पल, तो हाफ एप्पल लूँगी, काफ़ी बड़ा ही एप्पल है. काफ़ी इनफ होता है एनर्जी के लिए. और उसके बाद आप करें कोई भी एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है. मॉर्निंग में आपकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी होती है. तो ये खा के आप एक्सरसाइज करें या योगा कुछ भी करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, वो ये बेस्ट टाइम होता है. देन उसके बाद जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका सेकेंड मील, वो होनी चाहिए 60 to 90 मिनट्स आपकी फर्स्ट मील के बाद में. तो वो होना चाहिए आपका होममेड हॉट मील. तो जैसे कि कोल्ड मील्स भी होती हैं, जैसे आप पुडिंग खाते हो या ओट्स खाते हो ओवर नाइट, तो उनके कंपैरेटिवली आपको होममेड मील खाना है इस डाइट में अकॉर्डिंग टू रुजुता दिवेकर. तो मैं खा रही हूँ बेसन चीला, जिसमें मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ और अनियन ऐड कर रही हूँ. तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा. और आप ऐसा बैटर बना के रख सकते हैं ताकि आप बाद में भी यूज़ करें, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, शाम को काम आ सकता है. और ये जो चीला है साथ में आप घी के साथ खाना है. तो घी की बहुत इंपॉर्टेंस है आपके बोन्स के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, बहुत ही अच्छा होता है. जितना प्योर घी होगा उतने अच्छे बेनिफिट होंगे उनके. तो ये मैंने चीला बना लिया है और इसको मैं साथ में इसके साथ खाऊंगी मिंट और कोरिएंडर की चटनी. वो ऑप्शनल है बट मेरे पास थी तो मैं वो खा रही हूँ. तो घी लगाना नहीं भूलना है गरम चीला पे. बहुत ही फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट है. ये है हमारी सेकेंड मील.
नाउ मील नंबर 3 जो कि होती है 2 से 3 घंटे के बीच में आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो इसमें आप नट्स ले सकते हैं, कोई भी बादाम अगर आपने भिगो के रखे हैं, या वॉलनट या पीनट्स या यू नो कोई भी बेरीज ले सकते हो, या कोकोनट वाटर ले सकते हो। और उसके बाद मील नंबर 4 हैज़ टू बी लंच, जो कि 2-3 घंटे के बाद होना चाहिए, तो मैं टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर डाल रही हूँ। और आज मैं लंच में बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, तो आप लंच में राइस या रोटी दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं, दाल या सब्जी ले सकते हैं, और मैं मेथी और मूंग दाल की सब्जी बना रही हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। और साथ में दही या पिक्कल ले सकते हैं, और अगेन घी के साथ लें ये सब, तो ये कंप्लीट आपकी मील हो जाएगी। तो मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। जब मैं मुंबई रहती थी तब मैंने ये सीखी थी, और साउथ इंडिया में ये मुंबई में साउथ इंडिया ये वहाँ पे ये बहुत ही फेमस है, ये सब्ज़ी बहुत बनाते हैं। तो मेथी बहुत ही अच्छी आई थी मार्केट में, मैंने सोचा मैं बनाती हूँ। तो यूजुअली मैं सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती हूँ, बट इसमें कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं। तो ये मूंग की दाल मैंने भिगो के रख ली थी, तो बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप भिगो के रखें कोई भी ग्रेन्स हैं या दालें हैं। तो बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी, गार्लिक जो मैंने चॉप किया है वो उसके साथ तड़का लगाऊँगी। इसमें प्याज ऑप्शनल होता है, कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं हैं, बट मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं इसमें अनियन, तो जस्ट गार्लिक का तड़का होता है हरी चिल्ली के साथ में। देन टमाटो ऐड करूँगी, उसके बाद दाल ऐड करनी है और थोड़े से हल्दी या गर्म मसाला बेसिक मसाला ऐड करना है। और उसके बाद जब दाल आपकी ऑलमोस्ट 80% पक जाए तो आप मेथी ऐड करें, और उसके बाद सॉल्ट ऐड करना है। तो जो पानी पहले ऐड करा था वो भी ड्राई हो गया है, और ये सब्ज़ी भी पक गई है, और बहुत ही न्यूट्रिएंट्स फिल्ड ये सब्ज़ी है। और साथ में मैं खा रही हूँ बाजरा चीला, तो बाजरा की रोटी बना सकते हो, बाजरा डोसा बना सकते हो, मैं चीला प्रेफर करती हूँ। इसमें अगेन मैंने कैरेट थोड़ी सी ग्रेट करी थी। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल प्लेट लग रहा है, और बहुत ही यम्मी प्लेट है ये। सो साथ में थोड़ा सा ले रही हूँ ये गार्लिक चटनी, स्पाइसी वाला है ये मैं अभी मैंने थोड़ा लेके आई थी बाहर से ट्राई करने के लिए, इंडिया में बहुत खाते थे, बनाते भी थे घर में ये। और अगेन थोड़ा सा घी, मतलब आधा आधा चम्मच भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपके 1-2 चम्मच हो जाएंगे दिन में, अगर आपको हेडेक है माइग्रेन है तो उसके लिए घी भी बहुत अच्छा होता है। सो सैलेड, बाजरा चीला, सब्जी, ये चटनी और दही, दही अगेन सब्जी के साथ में, काफ़ी वेजिटेबल ऐड करी हैं। सो ये है लंच। और उसके बाद मील नंबर 5 जो कि 2-3 घंटे के बाद होनी चाहिए, लंच के बाद ही मतलब विद इन, तो उसमें मैं ले रही हूँ बटर मिल्क, आप कोई शरबत वगैरह ले सकते हो। तो मिंट और पुदीना जीरा के साथ ही ब्लेंड करके मैंने बटर मिल्क बनाया है। छाछ आप गर्मियों में वैसे ही अच्छी है, तो यहाँ पे गर्मी है तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। अगर कोई वेदर अलग है तो आप चाय वगैरह ले सकते हैं, हालांकि रुजुता के डाइट प्लान में चाय वगैरह नहीं है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो थोड़ी कम अमाउंट में। मील नंबर 6 जो आप लंच का भी कुछ खा सकते हो या कुछ भी नो अच्छा, तो मैंने सुबह वाला मेरा थोड़ा बचा था तो उसमें मैं थोड़ा सा पनीर ऐड करके वही थोड़ा मैंने ये खा लिया, थोड़ा हस्बैंड ने खा लिया ये बेसन चीला, इतनी भूख नहीं थी मुझे। और मील नंबर 7 होगी डिनर, जो कि अगेन विद इन 2-3 आवर्स ऑफ प्रीवियस मील, तो इसमें मैं ये मिलेट यूज़ कर रही हूँ, लिटिल मिलेट। ये बहुत ही क्विकली बन जाता है, आपको भिगो के रखना होता है, तो चाहे तो आप ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं, चाहे तो आप 1 घंटा पहले भिगोएंगे तो भी अच्छा है, बट मिलेट को जितना भिगोएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे उतना ही अच्छा होता है, मेरे पास नहीं है तो जस्ट मैं नॉर्मल बना रही हूँ। द रेसिपी सेम लाइक उपमा, जैसे हम उपमा बनाते हैं वैसे ही ये है। तड़का दिया है, उसमें वेजिटेबल ऐड करिए खूब सारी,
और फिर अगेन नमक वगैरह ऐड करके पानी बॉयल्ड गर्म पानी ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद थोड़ा जब बॉयल होने लग पड़े पानी तो हमें स्लोली स्लोली अपना मिलेट ऐड करना है। सेम लाइक उपमा बहुत ही ईजी है। मिलेट के तो इतने बेनिफिट्स हैं कि आप अगर आप राइस नहीं खाना चाहते तो आप मिलेट ऐड कर सकते अपनी डाइट में स्लोली स्लोली। सो दिस इज़ माई डिनर। और साथ में अगर आप कोई सब्जी लेना चाहते हो, दाल लेना चाहते हो, आप वो ले सकते हो। बट यू नो मैं डिनर काफ़ी जल्दी कर रही हूँ, 6 बजे के करीब, तो मैं थोड़ा सा दही लूँगी और गर्मी भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई डिनर, ऑफ कोर्स माई फैमिली डिनर। तो थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सैलेड और ये वेजिटेबल समाई मिलेट या लिटिल मिलेट, ये है डिनर। और उसके बाद मील 8 बेड टाइम जो आप लेना आपको लेना है वो है मिल्क, वॉर्म मिल्क विद गुलकंद ले सकते हैं या च्यवनप्राश या हल्दी या कैश्यूज, किसी के साथ भी ले सकते हो, बट दिस इज़ ऑप्शनल अगर आपको भूख लगी है तभी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टुडे अकॉर्डिंग टू रुजुता दिविकर, एंड आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।